तो हमारे जो आचार परेशान जी है ना, वो ढपोर कुल मिला के, इसलिए उनका नाम मैंने रखा ढपोर संघ। ये कुछ देते नहीं है ये लोग, ये आपसे लेते हैं, इनको इनको बेचा जाता है आपको, और फिर ये बातें इतनी घुमाऊदार और इतनी उलझुलूल की करते हैं। और अच्छा मैं आपको एक चीज बस ये बता दूं कि आचार्य प्रशांत की जो आदत है ना कि वो लोगों को स्ट्राइक मारते हैं, वो लोगों को इस बात पे स्ट्राइक मार देते हैं कि अगर उनकी कोई डीपी को किसी ने इस्तेमाल कर दिया तो इस बात से नाराज होकर आचार्य प्रशांत लोगों को स्ट्राइक मार रहे हैं। बहुत डरे हुए भाई, आपकी इतनी आसक्ति है यूट्यूब से, आप अपनी लोकप्रियता से आसक्त हो गए परेशान जी। आचार्य प्रशांत जी की आदत है कि अगर उनके बारे में कोई कुछ बात करे तो वो नए नए तरीके निकाल के स्ट्राइक भेजते हैं, और वो यूट्यूब से ये शिकायत करते हैं कि भाई इस वीडियो को हटा दिया जाए यूट्यूब से, क्योंकि उन्होंने उनकी कुछ चीजों का अगर इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि ये तक हुआ है कि साई जर्नी सर ने जब स्ट्रीम की ह्यूमन विद साइंस सर के दूसरे चैनल पे, स्ट्राइक आई है, और स्ट्राइक के कारण ये थे कि उनकी जो डीपी है वो इस्तेमाल की गई। जो व्यक्ति अपने आप को एक स्पिरिचुअल मास्टर बताते हैं, जो लोगों की दुख परेशानियां दूर करने की जो बात करते हैं, उनसे इस तरह की चीजों की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन आचार्य प्रशांत कर गए, और उन्होंने बिल्कुल ये साबित किया कि जो खड़ा होता है वो चिकना ही होता है हमेशा। वो बड़ी ही उन्होंने इस बात को साबित किया कि दुनिया के जितने धर्म गुरु हैं दरअसल ये सब के सब ढपोर संघ होते हैं। मैंने स्ट्रीम का नाम भी, मैं बाद में इसको जो टाइटल इसको एडिट भी कर दूंगा, स्ट्रीम का नाम भी यही है कि भाई ढपोर संघ और छुई मुई बाबा। मैं छुई मुई उनको इसलिए मैंने नाम दिया है क्योंकि वो बड़ी जल्दी अहंकार को चोट लग गई। जो लोग ये बता रहे हैं कि अहंकार को किस तरह से तिरोहित किया जाए, और अहंकार का जब तिरोहण हो, ईगो जब डिमिनिश हो, तो किस तरह की आंतरिक शांति मिलती है, इसी तरह की जो बातें लोगों को बताई जाती हैं, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म नाम का चूर्ण जो लोगों के बीच में बेचा जाता है, उस चूर्ण को काश आचार्य प्रशांत जैसे लोग खुद ही खा लिए होते, या सदगुरु जैसे लोग खुद खा लिए होते, क्योंकि अमूमन ये देखने में आया है कि इन लोगों के अंदर में खुद भी उस आलोचना को लेने की क्षमता नहीं होती। इनकी आप सभ्य भाषा में, सिविलाइज्ड वे में भी अगर आप इनके बारे में बात करें तो ये अक्सर नाराज हो जाते हैं। और आज मैं आपके सामने में आचार्य प्रशांत की कुछ किताबों का भी उल्लेख करूंगा, जिससे हमको ये पता चलेगा कि आचार्य प्रशांत जो हैं वो खुद जो सिखाते हैं उसको कभी फॉलो नहीं करते। हम जल्दी से जल्दी ये जो विषय हैं इन तक पहुंचेंगे। अच्छा मैं आपको एक चीज बस ये बता दूं कि आचार्य प्रशांत की जो आदत है ना कि वो लोगों को स्ट्राइक मारते हैं, वो लोगों को इस बात पे स्ट्राइक मार देते हैं कि अगर उनकी कोई डीपी को किसी ने इस्तेमाल कर दिया तो इस बात से नाराज होकर आचार्य प्रशांत लोगों को स्ट्राइक मार रहे हैं। देखिए मैं किसी स्ट्राइक वगैरह से इनके डरता नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ये चैनल पे स्ट्राइक मार देंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा ये हुआ तो चैनल ही बंद हो जाएगा। मुझे इस बात का डर नहीं है, मैं उनके तरह का छुई मुई इंसान नहीं हूँ। बस एक ही बात है कि जब कभी ये लोग इस तरह के स्ट्राइक मारते हैं तो जो वीडियो है उसको उतार दिया जाता है, तो जो बातें हमने यहाँ पे की होती हैं उसका वो जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो बातें उस तरह से लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। इसलिए एक तरीका आज हम करेंगे, आचार्य प्रशांत की किताब का नाम मैं आपको बताऊंगा, उस किताब के जो कुछ उद्धरण है, जो कुछ कोट्स हैं, मैं यहाँ पे पढ़ना आपके सामने में चालू करूंगा। हम उसको स्क्रीन पे नहीं दिखाएंगे, मैं किताब के जिस हिस्से से पढ़ूंगा उस हिस्से का उल्लेख मैं करता चला जाऊंगा, ताकि आचार्य प्रशांत के अगर कोई भी भक्तगण हैं और उन्हें ये लगे कि मैं कुछ अलग बात कर रहा हूं तो वो कृपया वहां से जाके चेक कर लें। और ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपके जो गुरुजी हैं वो बड़ी छोटी छोटी बातों पे छुई मुई बन के लोगों को स्ट्राइक मार देते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आज उनका जो भांडाफोड़ यहां पे हो उसका वीडियो हट जाए। मैं चाहता हूं ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचे। मैं वीडियोज में कोई एड वगैरह लगाता नहीं हूं, इसलिए इसमें कुछ ऐसा बात मेरी तरफ से नहीं है कि मुझे कुछ आर्थिक रूप से लाभ होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो आचार्य प्रशांत जैसे लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं वो इसमें से बाहर निकले। तो हम दोस्तों
ये देखते हैं कि आचार्य प्रशांत की किताब को मैं आपके सामने में पढ़ना शुरू करूंगा। आप लोग मेरे सामने बने रहिए। आज हम काफी गहराई से इनकी जो जो बातें हैं उसको हम एक बार देखेंगे कि ये दरअसल ये कितने पानी में है ना। आज हमको ये देखेंगे कि ये है कितने पानी में। बेसिकली मैं फिर से यहाँ पे बता दूं कि जानबूझ के मैं उनकी किताब को यहाँ पे सामने में नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि सिर्फ इस बात को लेके आचार परेशान अशांत जी जो हैं छुई मुई साहब वो इस पे स्ट्राइक मारेंगे। किताब का नाम है निर्भय होए न कोए। आहा, यानी जिसके में भय नहीं हो, डर नहीं हो, होए न कोए, कोई नहीं हुए। ये आचार्य प्रशांत की किताब का नाम है। जो आचार्य प्रशांत के दर्शक है, भक्तगण है, वो जानते हैं उन्होंने इस तरह की किताब लिखी है। नीचे में उन्होंने अपने ही नाम के आगे में लिख दिया है राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक। लो भाई, अपने मुंह में मिट्ठू, ये खुद ही बन गए कि राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक बन गए हैं ये। और इन्होंने अपनी किताब का नाम लिखा है निर्भय होए न कोए। देखिए कौन बोल रहे हैं ना, ढकोर शंख की आप थोड़ा बात सुनिए। ये वो ढकोर शंख जी हैं जो कि अभी हमारे सामने में हमारे दो रैशनल साथी हैं, उन्होंने इनके ऊपर में स्ट्रीम करी सभ्य तरीके से संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए। साइंस जर्नी चैनल ने, ह्यूमन साइंस ने संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए इनकी जो विचारधारा है, विचारधारा के ऊपर में, सिर्फ विचारधारा के ऊपर में आलोचना की जो उनका अधिकार है, क्योंकि ये एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं आचार्य प्रशांत, ये उनको डर लग गया इस बात से। उन्होंने दोनों को स्ट्राइक भेज दी है। साइंस जर्नी सर को वीडियो उतारना पड़ा। और मैं अमूमन कभी किसी का नाम लेके स्ट्रीम नहीं करता, लेकिन ये राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक जो हैं आचार परेशान जी, मुझे इस बात से इतनी खिन्नता हुई, क्योंकि ये अक्सर लोगों को बताते रहते हैं कि भाई मैं तो IIT से मैंने डिग्री लिया है, IIM से मैंने डिग्री लिया है, मैंने तो सिविल सर्विस छोड़ दिया। अब ये भी जो है ना, ये भी लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरह के जो गाजर लटकाए जाते हैं ना, आचार परेशान जी ने वो लटका दिया है और किताब का नाम लिख दिया। अपनी किताब का नाम है इनका निर्भय होए ना कोई। अरे इनसे ज्यादा भयभीत इंसान तो मैंने कभी देखा नहीं है। तो राजपाल प्रकाशन ने किताब को छापा है। इसका पहला संस्करण जो है 2022 में आया है। चलिए तो आचार्य परेशान जी जो हैं क्या लिखते हैं, ये जो प्राथक्कन जो इंट्रोडक्शन है उसमें आचार्य परेशान जी लिख रहे हैं कि आज दुनिया ऐसी समस्याओं से जूझ रही है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। अतीत में हमारी समस्याएं अक्सर बाहरी परिस्थितियों के कारण होती थी, जैसे कि भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, प्रौद्योगिकी का अभाव, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आदि। संक्षेप में कहूं तो चुनौती बाहरी थी, दुश्मन चाहे वो सूक्ष्म जीव के रूप में हो या संसाधनों की कमी के रूप में बाहर था। सीधे कहें तो मनुष्य अपनी बाहरी परिस्थितियों के दबाव में संघर्षरत रहता था। आचार्य परेशान जी, मैं आपकी किताब को दिखा नहीं रहा हूं, मैं आपकी किताब से पढ़ रहा हूं, आप स्ट्राइक नहीं मार सकेंगे। फोटो भी आपकी नहीं लगी है, आपका नाम भी अगर आप कहें तो आचार परेशान ही शुरू कर देता हूं बोलना। तो आचार परेशान जी कह रहे हैं कि भाई दुनिया तो इतनी प्रॉब्लम से जो जूझ रही है ना, आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स थी ना पास्ट की, वो सब बाहरी कारणों से थी, जैसे भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, ये सब जो परेशानियां थी अतीत में तो बाहर थी। आचार परेशान जी, आप तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं अभी अपने घर के सामने की नाली में अगर मक्का डालूंगा ना तो उसमें से दूध बाहर निकल जाएगा। आचार परेशान जी, आप पता नहीं किसी और देश की बात कर रहे हैं, भारत में भूमरी, गरीबी, अशिक्षा, प्रौद्योगिकी का अभाव, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आज की है, अतीत की बात आप कर दी, वर्तमान भूल गए। अब पता नहीं इतनी लंबी लंबी बातें लिखने के लिए आपको IIT से ये प्रेरणा मिली, या जब आप सिविल सर्विस में रहे होंगे तब मिली होगी, क्योंकि वो तो बहुत बड़े बड़े साहब होते हैं ना सिविल सर्वेंट्स। आगे लिख रहे हैं, संक्षेप में कहें तो चुनौती बाहर थी, दुश्मन चाहे वो सूक्ष्म जीव के रूप में क्यों ना हो, संसाधनों की कमी के रूप में क्यों ना, बाहर था। भैया WHO की रिपोर्ट आई है परेशान जी, 40 लाख लोग भारत में पिछले 2 साल में मर गए, जिनको आप बता रहे हैं कि अतीत की समस्याएं वो वर्तमान की समस्याएं हैं भारत की। सीधे आगे कह रहे हैं, सीधे कहें तो मनुष्य अपनी बाहरी परिस्थितियों के दबाव में संघर्षरत रहता था। अच्छा,
परंतु बीते 100 सालों में बहुत बदलाव हुए हैं। मनुष्य के संघर्षों ने इस सदी को बहुत ही अलग और जटिल रूप दे दिए हैं। अच्छा, वेरी गुड। पदार्थ को किस तरह से अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल करना है वह आज हम जानते हैं। आज गरीबी, अशिक्षा और बीमारी अब जैसी अजय समस्या नहीं रही जैसे पहले प्रतीत हुआ करती थी। साहब, जिन 30% भारतीयों के पास में खाने का एक टाइम का बस पैसा है ना, एक समय का जो लोग खाना खाते हैं, जाके उनको थोड़ा ये अपनी IIT की जो फंडा गिरी है थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है। आज गरीबी, अशिक्षा और बीमारी पहले जैसी अजेय समस्या नहीं रही। अच्छा, वेरी गुड साहब। इसी के चलते अब हमारी महत्वाकांक्षा दूसरे ग्रह में बसने को हो गई है। मतलब ये बता रहे हैं परेशान जी कि भाई अब तो अर्थ में तो क्या है ना, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, समझे। अब हमारे यहाँ पानी नहीं बरसता है, दूध बरसता है डायरेक्ट। आप अभी अपने घर के बाहर जाएंगे तो, और नाली के अंदर में मग्गा डालो, दूध निकलेगा बाहर। सोना चांदी तो ऐसे ही पड़ा हुआ है बस। इसीलिए परेशान जी का ये कहना है कि अब हमारी जो एम्बिशन है ना, वो किसी दूसरे प्लेनेट में होने की चली गई। भाई ये अर्थ में तो हमने सब सॉल्व कर दिए। वर्तमान काल मनुष्य के इतिहास में सबसे अच्छा होना चाहिए था, लेकिन फिर ये अपनी बात से पलट गए भाई। अरे, प्रेजेंट तो सबसे अच्छा होना चाहिए था। इससे कहीं दूर हम अपने आप को आंतरिक रंगमंच में चुनौती की बहुत ही अलग आयाम पे पाते हैं। मतलब अंदर की जो दुनिया है ना, वो किसी और डायमेंशन में चली गई है। बाहरी दुनिया में लगभग हर चीज पर विजय प्राप्त करने के बाद मनुष्य पा रहा है कि वो आज पहले से कहीं ज्यादा गुलाम है। मैं तो गुलाम हूं साहब, क्योंकि जब मैं इस बात का गुलाम हो गया हूं कि नाली में मग्गा डाल रहा हूं तो दूध निकल रहा है, तो भाई अब इतना भरण पोषण लोगों का हो रहा है तो हम तो इसी बात से गुलाम हो गए, क्योंकि बाहरी दुनिया में तो हर चीज पे हमने विजय पा ली है। अब अंदर की जो परेशानी है ना, ये चालू हुई। और साहब सीधा बता रहे हैं परेशान जी कि गुलामी है ये, चलो ये अपमानजनक गुलामी है, कह रहे हैं सभी पे वर्चस्व जमाना और फिर ये पाना कि भीतर से एक अज्ञात उत्पीड़क के बहुत बड़े गुलाम हैं। शब्दों को देखिए आप कि भाई ये स्लेवरी जो है ना, ये गुलामी जो है, ये इतनी इंसल्टिंग है कि बाहरी चीज पे तो हमने सब जीत पा ली है ना, सारी समस्याएं, भूखमरी, अशिक्षा सब खत्म हो गई है, लेकिन अंदर से हमको लग रहा है कि हमारे भीतर अज्ञात उत्पीड़क मतलब होता है अननोन, एक टॉर्चर करने वाला कोई है जिसके हम गुलाम हो गए हैं। मनुष्य भले ही प्रकृति पर अपना नियंत्रण बनाने में सफल हो गया हो, लेकिन वह स्वयं अपनी आंतरिक विनाशकारी केंद्र द्वारा नियंत्रित है। परेशान जी, पता नहीं आप ये ज्ञान कहां से लाए हैं। आगे में लिख रहे हैं कि जिसका उसे बहुत कम ज्ञान है, शायद आप ही को बहुत कम ज्ञान है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे अंदर में कोई एक डिस्ट्रक्टिव पावर है जिसके हम गुलाम हैं। इन दोनों के साथ होने का मतलब है कि मनुष्य की प्रकृति का नाश करने की क्षमता असीमित और निर्विवाद है। मनुष्य के पास केवल एक ही आंतरिक शासक है। कौन है ये जिनको ये बता रहे हैं साहब कि भाई ये जो एक अज्ञात उत्पीड़क कौन है? इच्छा है, डिजायर है भाई। परेशान जी, उपभोग करने और अधिक से अधिक सुख का अनुभव करने की अनंत इच्छा। मतलब अगर आपके अंदर में ये डिजायर है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट, प्लेजर कुछ की तलाश करें, आप इसके गुलाम बन गए हैं। ओहो, एक काम करना चाहिए परेशान जी, कील बिछाइए और लेट जाइए उसके ऊपर, आपको उससे दुख का अनुभव होगा, आपकी इच्छा भी काफी मर जाएगी। मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है, पर फिर भी वह स्वयं को अतृप्त ही पाता है। चलिए भाई, बता रहे साहब कि भाई आपको बड़ा प्लेजर तो होता है, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती। अच्छा, डेवलपमेंट शायद इसी को कहते हैं। जो विकास होता है ना, वो एक के ऊपर एक सीढ़ी ही बनाई जाती है। अगर मैं ये सोच लूं कि आज ये सड़क बन गई है, अब मेरी इच्छा खत्म हो गई है समाज के लिए, या सरकार ये सोच ले कि भाई हमारी इच्छा खत्म हो गई है, अब हम सड़क नहीं बनाएंगे, या ये सड़क जो बन गई अब ये हो गई, बस यहीं तक खत्म हो गई है, तो भाई इच्छाओं पे इच्छाएं करते चले जाना विकास कहलाता है साहब। IIM में शायद आपने सीखा नहीं है। तो आगे वो खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में खुद ही अपने मुंह मिट्ठू बन गए हैं। हमारे निर्भय आचार्य प्रशांत कह रहे हैं, आचार्य प्रशांत का अद्वितीय का मतलब होता है जैसा कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय।
आध्यात्मिक साहित्य मानव जाति द्वारा ज्ञात उच्चतम शब्दों के बराबर है। भाई आपने, आपको मैंने बता दिया कि बाबा जी छुई मुई क्यों है, अब मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूं कि भाई मैंने ढपोर संघ का नाम क्यों रखा ना। भैया देखो भाई, ढपोर संघ की बड़ी गजब की कहानी है ना। तो बहुत से दोस्त हैं जिन्हें ये पता नहीं होगा कि भाई ढपोर संघ की कहानी क्या है। तो भाई ढपोर संघ की बड़ी गजब की कहानी है। हुआ यूं, कहानी यूं है कि एक कोई साधु महात्मा जैसा आदमी किसी गांव में आया और गांव के लोगों को छोटे मोटे अपने जो मैजिक ट्रिक्स हैं, जो चमत्कार हैं, वो करके दिखाने लगा। कहानी है बस, ढपोर संघ ही क्यों है आचार परेशान वो आप समझ जाएंगे। हे ढपोर संघ जी, मुझे 1,00,000 रुपया दे दो। तो ढपोर संघ ने कहा, बेटा 1,00,000 क्यों चाहिए, 2,00,000 देता हूं ना। आदमी खुश हो गया, वो बच्चा भी खुश हो गया, उसकी जो पत्नी है वो भी खुश हो गई। अरे 2,00,000, अब बांछे खिल गई। सेठ जी की बोले, अच्छा ठीक है ढपोर संघ जी, 2,00,000 दे दो। ढपोर संघ बोला, 2 क्यों 4,00,000 देता हूं ना। और खुश, अरे 1 मांगा था 4 तक पहुंच गए। बोले ठीक है 4,00,000 दे दो। 4 क्यों चाहिए, 8,00,000 दे रहा हूं तेरे को। आदमी ने कहा, हाँ हाँ साहब 8,00,000 दे दो। उस 8 नहीं दूंगा, ढपोर संघ ने कहा, अब तेरे को 16,00,000 दूंगा। वो आदमी और खुश, बोले हाँ साहब मेरे को 16,00,000 दे दो, मेरी तो पूरी जिंदगी नहीं बहुत ही बढ़िया गुजर जाएगी। बोले बेटा अब तेरे को 16 नहीं दूंगा, ठपोर संघ से आवाज, अब तेरे को 32 दूंगा। अब उस आदमी को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि भाई ये ढपोर संघ कर क्या रहा है। उसने ढपोर संघ की तरफ देखा, अच्छा ठीक है भाई 32 लाख दो। ढपोर संघ बोला, नहीं 64,00,000 दूंगा। उस आदमी को गुस्सा आने लगा, अरे यार 1 से तू 64 तक ले ला दे भाई 64,00,000। वो आदमी बोला, नहीं, वो ढपोर संघ बोला, नहीं भैया अब तो 108,00,000 दूंगा, 1,08,00,000। तो हमारे जो आचार परेशान जी है ना, वो ढपोर संघ कुल मिला के, इसलिए उनका नाम मैंने रखा ढपोर संघ। ये कुछ देते नहीं है ये लोग, ये आपसे लेते हैं, इनको इनको बेचा जाता है आपको, और फिर ये बातें इतनी घुमाऊदार और इतनी उलझुलूल की करते हैं, और किताब का नाम अपने रख लिए हैं, निर्भय होए ना कोई, भाई कोई आज से नहीं डरना। बेस्ट सेलिंग ऑथर आचार परेशान जी, मैंने आपको अभी इनकी जो भूमिका है वो दिखाई, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, जहां पे इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अद्वैत शिविर धर्मशाला 2016 में इनसे प्रश्न पूछा गया है, आचार्य जी कृपया डर के बारे में बात करें। ये कौन बोल रहे हैं ये ध्यान में रखिएगा, जो अभी 2 रेशनलिस्ट चैनल से डर गए हैं ना, ये वो जवाब देने वाले हैं। हाँ आचार परेशान जी क्या कह रहे हैं भाई। परेशान जी, हम डरे हुए पहले ही होते हैं, हमें डरने का बहाना चाहिए। हाँ साहब यहां तक तो आपने ठीक, आप पहले से ही डरे हुए थे क्योंकि आपको पता है आप अल्पज्ञ हैं, आपके पास ज्ञान कम है। आगे कह रहे हैं, डर पहले आता है, डर का विषय बाद में आता है, हम तो पहले से ही डरे हुए हैं। वो बंदा बोल रहा है कि साहब डर के बारे में बात करो। परेशान जी बोल रहे हैं कि हम तो पहले से ही डरे हुए हैं, हमें डर का बहाना चाहिए। ये सेंटेंस को याद रखिएगा ना, कॉन्ट्रडिक्शन में चलेंगे हम आगे। उसके बाद फिर आगे कह रहे हैं, अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहली तो ये कि हम मान ही लें कि गुजर जाना नियति हमारी, मृत्यु की बात हो रही है ना भाई, क्योंकि सबसे बड़ा डर जो है वो मृत्यु का होता है। तो परेशान जी कह रहे हैं, अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहली तो ये कि हम मान ही लें कि गुजर जाना नियति हमारी। बहुत बार ये सिखाया गया है कि मान लो एक दिन नहीं रहोगे। मैं जरा दूसरी बात करता हूं, मैं कहता हूं गुजर जाना नियति है ही नहीं आपकी, हम सब अमर हैं। डिक्लेरेशन आ गया ना, इमोर्टल हो भाई आप, अमरता स्वभाव है हमारा, इमोर्टेलिटी हमारा नेचर है। कह रहे हैं हम गुजर ही नहीं सकते, हम मर ही नहीं सकते। तो वो जो लोग मर रहे हैं भाई, पता नहीं परेशान जी वो क्या हो रहा है उनके साथ में, शायद उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी होगी इसलिए मर जाते होंगे। वो बहुत मूर्ख लोग हैं जो मर जा रहे हैं भाई। इसीलिए जितनी भी बातें हमें मृत्यु का या हमारी मरणशीलता का एहसास कराती हैं, वो हमें पसंद ही नहीं आती, हम उनसे दूर भागते हैं। क्योंकि वास्तव में चले जाना, ना हो जाना, गुजर जाना वो संभव नहीं है हमारे लिए। जो हम हैं वो मर ही नहीं सकता। वहां परेशान जी, हमने बेकार में इतने हॉस्पिटल खोल लिए हैं। बेकार में अभी कुछ लोग जो आईसीयू के बेड के लिए तड़प रहे थे भाई, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उनको तो पता होना चाहिए था हम तो मर ही नहीं सकते, तो फिर वैक्सीन क्यों बना लिए। और मैं पक्का यकीन से बता रहा हूं, आचार्य जी खुद ही वैक्सीन ठोक के बैठे होंगे। अक्सर जब मैं ये बोलता हूं तो लोग खुश हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं भाई, अक्सर मैं बोलता हूं तो लोग खुश हो जाते, कहते ठीक है इसका मतलब है हम कौन हैं, बता रहे हैं वो, हम जो हैं वो पैदा ही नहीं हो सकता, हम जो हैं वो पैदा हो ही नहीं सकता, वो तो मर ही नहीं सकता, वो पैदा भी नहीं हो सकता,
मरने का खौफ तब तक सताता रहेगा जब तक ये मानते रहेंगे कि पैदा हुए थे। यार ये बड़ी गजब की बात करी ढपूर शंख जी आपने, कि मरने का खौफ तब तक सताएगा जब तक हम ये मानते रहेंगे कि पैदा हुए थे। हम तो पैदा हुए थे, हम जानते हैं यार, हम तभी तो बात कर रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ सामने में बैठे, और परेशान जी ढपूर शंख जी आप तभी तो ये बात भी कहे गए थे, जब तक ये मानते रहेंगे कि ये संसार जैसा दिख रहा है ऐसे ही है, और उसमें एक दिन एक शिशु यानी बच्चा आता है, वो उसका प्रथम दिन होता है, वो मैं हूं, जब तक हम ये मानते रहेंगे तब तक मरने का डर रहेगा। भाई वाह ढपूर शंख जी आगे कह रहे हैं, सारा डर दूसरों का डर है। बिल्कुल, इनको दूसरों से ही डर लगता है, सारा डर संसार का डर है। जो संसार से जितना जुड़ा है, जितना निर्भर है, जितना आसक्त है, वो उतना ही डरा हुआ है। अच्छा, ये खुद जो संसार से आसक्त हैं, अपने नाम अपनी किताब के आगे में ऊपर ही में लिख रहे हैं, राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग ऑथर, इसको संसार के साथ में आसक्ति नहीं बोलते क्या? तो साहब आप तो फिर बहुत डरे हुए हो, आपकी कोई डीपी लगा के आता है आप स्ट्राइक मार देते हो, बहुत डरे हुए भाई, आपकी इतनी आसक्ति है यूट्यूब से, आप अपनी लोकप्रियता से आसक्त हो गए परेशान जी। ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, किताब का नाम लिखने से कुछ नहीं होता। आगे कह रहे हैं कि डर का इलाज बस एक, अच्छा साहब इलाज भी बता रहे हैं ना, डर का इलाज बस एक है, अपने और ईश्वर के बीच में दूरी इतनी कम कर देना कि वो दिल में बैठ जाए। अच्छा, जैसे हमको पता है कि वो ईश्वर कहाँ है भाई, जाके उसकी हम दूरी उसकी दूर कर देंगे तो वो दिल में हमारे बैठ जाए, तो भाई वो वैसे ही क्यों नहीं आके बैठ जाता यार ईश्वर? खैर ईश्वर होता भी नहीं तो बैठेगा कहां से। अब आपको देखने वाली आंख बाहर की नहीं है, आपकी अपनी है। ये देखिए ढपूर शंख जी का, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नकर्ता इनसे पूछ रहे हैं, पर इस सब काम का मतलब है कि आपको अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है। अल्टीमेट गोल तक की बात आ गई ना साहब ढपूर शंख जी, अब अल्टीमेट गोल पे बात करेंगे। अल्टीमेट गोल आगे कह रहे हैं परेशान जी, कह रहे हैं हाँ कह सकते हैं। फिर प्रश्नकर्ता इनसे पूछ रहा है, पर ये सब कुछ इस संसार में रहते हुए भी तो हो सकता है, इस दुनिया में रहते हुए भी कोई आदमी अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच सकता है। अल्टीमेट गोल कौन सा है परेशान जी के हिसाब से? कि ईश्वर और अपने बीच दूरी कम कर दो तो वो बैठ जाएगा कि तो आपका डर खत्म हो जाएगा। काश ईश्वर और अपने बीच की दूरी परेशान जी कम कर दिए होते तो अपनी लोकप्रियता के क्षीण होने से नहीं डरते। तो आचार्य जी क्या कह रहे हैं वही देखो परेशान जी, हाँ सब संसार में ही होना है। अब यहां से ढपोर संखीपन इनका शुरू होता है ना, सुनते जाइएगा। हाँ सब संसार में ही होना है। आज दोपहर के सत्र में किसी ने मुझसे कहा कि शिव के तीसरे नेत्र के बारे में बात कीजिए, कुछ कहें। मैंने कहा सबसे पहले तो ये देख लेना है कि तीसरा नेत्र बाकी दो के साथ ही है, बाकी दो से अलग नहीं है, दोनों नेत्रों के बीच में है। मैंने कहा सबसे पहले तो ये देख लो, दोनों नेत्रों का प्रतीक है चांद और सूरज, द्वैत संसार। ढपोर संघ का सुनते जाइए बस आप ना, चांद और सूरज द्वैत संसार। आगे ढपोर संघ कह रहे हैं, ढपोर संघ ही है ये ना, आप इनसे दो मांगो चार देंगे, चार मांगो आठ देंगे, आठ से सोलह जाएगा, सोलह से बत्तीस जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। आगे बोल रहे हैं, और फिर तीसरे का प्रतीक है अग्नि, वो अग्नि जो संसार को भस्मीभूत कर देती है। तो शिव प्रतीक है संसार में रहते हुए भी संसार से आगे रहने का। दो आंखें हैं जो दुनिया को वैसी ही दिख रही है जैसे आपको आंखें दिखती हैं, और एक तीसरी आंख भी है जो बोध दृष्टि है, जो इस सब प्रवंचना को देख रही है, जो इन आंखों से दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन दो आंखों से देखना बंद कर दो, रहना तो संसार में ही है, इन दो आंखों से देखें लेकिन साथ ही साथ तीसरी आंख से भी देखते रहें, ये शिव है। गजब कर दिए भाई ढपोर शंख, आप तो डायरेक्टली 64 के आगे पहुंच गए, 108 में आ गए हो आप तो।